नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। देखा जाए तो नगर निकाय के चुनाव है, देखा जाए तो लोकसभा के भी चुनाव है, और यहाँ पर अखिलेश यादव सीतापुर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने किस तरीके से सीएम योगी और मायावती पर जमकर हमला बोला, वो कहीं ना कहीं देखने वाली चीज थी। अब बताते चलूं आपको कि नगर निकाय के चुनाव और लोकसभा के चुनाव यहाँ पर अखिलेश के लिए जीतना इतना ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव नेताजी का साफ तौर पर कहना था कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाना है और कहीं ना कहीं इन चुनावों की जीत ये पॉसिबल कर सकती है। अब देखा जाए कि सीतापुर पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक मूर्ति का अनावरण भी किया, महेंद्र सिंह के वो मूर्ति थी स्वर्गीय, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो जब वो मंच पे आए तो यहां पर मंच पर आने के बाद उन्होंने यहां पर पोल खोलते नजर आए, कहते नजर आए कि बीएसपी के नेताओं की टिकट तय करती है बीजेपी पार्टी। इतना बड़ा इल्ज़ाम यहाँ पर मायावती पर लगा दिया अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा यहाँ पर कि मायावती कुछ नहीं कर सकती, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी तौर पर बीजेपी का साथ दे सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर तो उन्होंने साफ तौर पे ये भी माना कि यहाँ पर बीजेपी बीएसपी के नेताओं को इसलिए टिकट देती है ताकि वो समाजवादी पार्टी को हरा सके, ना कि यहाँ पर बसपा को जिता सके। सोच समझ के साजिश रची जाती है बीजेपी की तरफ से और कहीं ना कहीं बसपा उस दलदल में फंसती हुई नजर आती है, ये बात अखिलेश के द्वारा कही गई। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश के साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे दल है, क्षेत्रीय दल, जिनके साथ गठबंधन को वो बरकरार रखेंगे, लेकिन बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का साफ इनकार कर चुके हैं अखिलेश। अब हो सकता है कि नगर निकाय चुनाव जीत ले, उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि बसपा के साथ जो साठगांठ रची गई उसकी वजह से 3.5 लाख पे सिमट गई थी समाजवादी पार्टी। अगर ये सब नहीं होता तो आज सरकार यहाँ पर भाजपा की नहीं समाजवादी पार्टी की होती, ये बात साफ तौर पे अखिलेश कहते नजर आए। लेकिन साफ तौर पे अगर देखा जाए यहाँ पर तो लोकसभा के चुनाव के लिए हर एक मेहनत अखिलेश यादव कर रहे हैं। लगातार जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बजट सत्र था विधानसभा में नजर आए तो जमकर यहाँ पर योगी सरकार पर हमला बोला, मायावती के पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर साफ इनकार करते नजर आए। और देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो हर एक पार्टी की नजर यहाँ पर जातिगत जनगणना पर है, यहाँ पर ऐसे समुदाय पर है जिनको कहीं ना कहीं पछाड़ दिया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पर बीजेपी पर हमला बोलते नजर आते हैं अखिलेश यादव। तो आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश यादव की इस बात में सच्चाई है कि अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं बसपा मायावती की पार्टी यहाँ पर बीजेपी का सपोर्ट करती है? आप खुद बताइए कि बी टीम बीजेपी की कौन है? सोचो आप, उस बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। अब इसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।